सारिआं नूं सति श्री अकाल जी। अज मैं बनावांगी बेसन दे लड्डू, बहुत ही वधिया दानेदार। तो घर के समान तो दानेदार लड्डू किवें बनते हैं, मैं तुहानूं इस वीडियो दसांगी पूरे टिप्स और ट्रिक्स के नाल। तो प्लीज़ वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो, तो जे चंगी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करियो जी। हसते रहो, वसते रहो, तो मेरी रैसिपीज़ के वीडियो वेखते रहो। पंजाबी वेज मसाला विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। तो चलो हुण वधिया जे लड्डू बनाने शुरू करते हैं। अज मैं बना जा रही हाँ एक कप बेसन के लड्डू। यह पौना कप है तो यह चौथा कप, पर यह जिहड़ा पौना कप बेसन है ना, यह बरीक वाला बेसन है, ठीक है। क्योंकि आपां कोल कई बार की हुंदा घर विच मोटा बेसन नहीं हुंदा, जां आपां बाजारों नहीं लियांदे, तो आप बरीक बेसन के विच आ जिहड़ा थोड़ा जिहा मोटा घर दरदरा पीस के बेसन मिला सकते हैं। यह छोलियां दी दाल नूं पीस के ना मैं बेसन बना लिया। एक घर का बेसन है, थोड़ा दरदरा ही पीसिया जाता है, तो इस करके दोनों नूं आपां मिला लवांगे, तो अपना बेसन जिहड़ा मोटा बेसन तैयार हो जाएगा, तो उहदे लड्डू बहुत ही वधिया बनणगे। तो इन्हों मैं हुण मिक्स कर रही हाँ, ए पौना कप ते चौथा कप, तो टोटल हो गया एक कप बेसन। तो आ देखो जी अपना बेसन रल गया, ये हुण आपां लड्डू बनावांगे। हुण आपां बेसन नूं भुनन वास्ते एक कढ़ाई लवांगे, तो कढ़ाई दे विच ना आपां बेसन नूं सुक्का रोस्ट करना है, सुक्का ही भुनना है। आपां बेसन नूं घिओ विच भी भुन सकते हैं, पर मैं अज सुक्का बेसन भुन के, मतलब कि पहलां सुक्का भुनांगी फिर घिओ पावांगी, इस तरह लड्डू बनावांगी। ये नाल की हुंदा कि इहदे विच जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हुंदा है ना वो घट हो जाता है काफ़ी, तो बेसन के लड्डू बहुत ही स्वाद बनते हैं। तुसी भी इस तरह एक बार बना के जरूर देखियो। हुण आपां इहनूं थोड़ी देर वास्ते सुक्का ही भुनना है, इदां बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर। तो इत्थे वेखो जी मैनूं बेसन नूं भुनदिआं होइआं डेढ़ तो दो मिनट हो गए ने गैस की फुल फ्लेम पर, तो इहनूं मैं लगातार चलांदी पई हाँ क्योंकि मैं बेसन के कोल ही खड़ी हाँ। मेरा जिहड़ा है ना गैस तेज़ है, फुल फ्लेम पर है, तो जे तुसीं इहनूं मीडियम फ्लेम पर या घट पर भुनोगे ना तो फिर भावें थोड़ी देर होर भुन सकते हो, पर मैं फुल फ्लेम पर भुनिया इनू। तो बेसन भुनने वास्ते आप कढ़ाई जी थोड़ी मोटे तले की लैनी है, तो हूँ आप पावे घ्यो। तो इतने मैं बेसन के पाने वास्ते अद्धा कप घ्यो लिया है, पर ये थोड़ा जहा मैं रख लेना है, जो जरूरत पेगी पिछों फिर पावे। हूँ घ्यो आप बेसन के चंकी तरह मिक्स कर लेना है, आ देखो इस तरह ना चंकी तरह पहले मिक्स कर लेना है, तो फिर गैस की मीडियम फ्लेम पर मीडियम टू लो करते हुए इनू आप हौली हौली भुनना शुरू कर देंगे। सारे पास चंकी तरह बेसन में ला लेना पहले, वैसे तो मैं लोड़ नहीं लग रही है घ्यो की होर, पर जे लगे आपू तो आप लवेंगे बाद विच। ते लड्डुआ का वधिया जिहा स्वाद लैण वास्ते ना आपां इहनूं बड़ा ही पेशेंस रखते हुए गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर बड़े ही आराम नाल चलाते हुए भुनांगे, कोई जल्दबाजी नहीं करांगे, बड़े ही आराम नाल इहनूं बनावांगे, तां लड्डुआ का स्वाद बहुत वधिया आंदा है। क्योंकि यह हौली हौली बेसन जदों भुजदा है ना फिर बेसन विच इहदा लड्डुआ विच बेसन का स्वाद बहुत वधिया आंदा है। जे आपां बहुत तेज़ भुन लवांगे तेज़ गैस पर तो वह बेसन तो भुज जाएगा पर उहदे विच उह स्वाद नहीं आएगा, तो बेसन छेती भी भुजन करके थोड़ा कलर भी डार्क हो सकता इहदा, पर आपां इहनूं बड़े आराम नाल भुनना है क्योंकि आपां अज बहुत ही वधिया दानेदार ते स्वादी लड्डू बनाने ने। तो वेखो जी पहला पहला तो बेसन एकदम गाढ़ा जिहा लगेगा है ना, लेकिन जिवें जिवें आपां इहनूं भुनदे जावांगे ये थोड़ा जिहा लूज़ हुंदा जाएगा, भुनना भी सौखा हुंदा जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा फुलदा भी जाएगा। बस इनू आप गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर आराम नाल भुनी जाना है बस। तो देखो जी मैं बेसन में भुनते 5 मिनट हो चुके हैं, तो तुम वेख सकते हो कि यदा कलर है जोड़ा हौली हौली चेंज होना शुरू हो गया है, तो हजे आपू होर भुनना है थोड़ा जहा। तो देखो जी हूँ 10 मिनट बाद अपना बेसन है जोड़ा बहुत ही वधिया भुज गया है, यदा रंग भी देख सकते हो तुम एकदम चेंज हो गया है बहुत ही वधिया। इस तो ज़्यादा डार्क आप नहीं करा, तो इतने हूँ मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, जे इस तो डार्क करांगे ना फिर कलर ज़्यादा वो हो जाएगा डार्क, तो लड्डू सोहने जे नहीं लगनगे। तो इत्थे हुण जे तुसी चाहो तो ड्राई फ्रूट पा सकते हो, पर अज मैं ड्राई फ्रूट तो बिना ही प्लेन लड्डू बना रही हाँ, तो ड्राई फ्रूट इस स्टेज पर पा सकते हो, बेसन के नाल नाल ही ड्राई फ्रूट्स रल जाएंगे। तो इहनूं हुण आपां किसी वड्डी थाली या परात विच कढ लवांगे ठंडा होने वास्ते किसी भी खुली प्लेट विच, ताकि छेती नाल ठंडा हो जाए। तो जे ड्राई फ्रूट्स पाने हो ना तो इस स्टेज पर तुसी पा सकते हो, कहिंदे आ ना कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा हुंदा है, तो तुम अपनी पसंद के जोड़े मर्जी ड्राई फ्रूट्स ये पा सकते हो। इन्हों हूँ आप थोड़ी देर ठंडा होन देना, ये हूँ आप पावे थोड़ा जहा जैफल इस तरह कद्दूकस नाल, कद्दूकस करके ना यदा जे तो यह पाउडर है तो कोल तो पाउडर पा सकते हो, नहीं तो इनू कस के इस तरह पा सकते हो, यदा स्वाद बहुत ही वधिया आता है जैफल का ये लड्डुआ। तो चौथा हिस्सा जैफल का मैं पाया ये, इनू हूँ आप बेसन के चंगी तरह मिक्स कर देवे, तो जो यह थोड़ा जहा ठंडा हो जाएगा उदों आप चीनी पावे, हाथ लगन जिन्ना ठंडा हो जाए ना बस उन्ना कि आप ठंडा करना है। तो हुण देखो जो ठंडा हो चुके हाथ लगन जोगा,
तो हुण आपां इहदे विच पाणी है बूरा चीनी, यह अद्धे कप तो थोड़ा जिहा घट है, पंज वड्डे चम्मच ने। इहनां नूं आपां चीनी नूं इहदे विच पा देवांगे। तो इत्थे आपां बूरा चीनी पाणी है या फिर देसी खंड हुंदी है उह पा सकदे हां। तो इस बूरे नूं बूरा चीनी नूं आपां बेसन दे विच मिक्स कर देना। इहनूं हत्थ नाल प्रैस करदे होए सारे बेसन नूं ते चीनी नूं इक्को जिहा कर लैणा। तो लड्डुआं नूं आपां बना के स्टोर करके भी रख सकते हाँ, कोई भी फंक्शन होवे, त्यौहार होवे, तो दूजिया मिठाइया नालों जो बेसन के लड्डू ने थोड़े ज़्यादा टाइम तक रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, तो वधिया बनते हैं। वैसे भी मौसम चेंज होने लग पिया, ठंड शुरू होने वाली है, तो सर्दियों में आप बेसन के लड्डू बना के खाइए तो बहुत ही स्वाद लगते हैं। वेखो जी जी चीनी है ना बूरा चीनी बेसन में चंगी तरह मिक्स हो गई है, मैं सारा चंगी तरह मिक्स कर लिया है, हुण आपां इहदे लड्डू बनावांगे। गर्म गर्म बेसन में की हुंदा है जे आपां इहनूं ठंडा नहीं करांगे ना तो की हुंदा है घिओ उपर उपर रहिंदा है, विच चंगी तरह मिक्स नहीं हुंदा, तो ठंडा कर लईए ना तो विच रस जांदा है, तो वधिया लड्डू बनते हैं। फिर इस तरह मैं होर बाकी दे लड्डू भी बना लैने इस तरह ही। आ देखो दूसरा लड्डू भी मैं तुहानूं बना के दिखा रही हाँ, इहनूं आपां हत्थां नाल गोल शेप दे देवांगे अच्छी तरह, तो इहनूं हुण आपां इक प्लेट विच रखते जावांगे। तो लो जी सारे लड्डू बना के मैं तैयार कर ले ने, ते तुसी भी इसे तरह लड्डू बनाओ तुहाडे बहुत स्वाद बनणगे। तो जे इसे नाप तौल नाल बनाओगे ना तो बहुत ही वधिया मूँह च घुलन वाले लड्डू बनणगे। जे घिओ घट बनाओगे, मतलब जे घिओ घट पा के बनाओगे तो बाजार वर्गे रुखे रुखे जे बनणगे जो कि बहुत स्वाद नहीं लगते। तो मैं तुहानूं एक लड्डू तोड़ के दिखानी हाँ। आ वेखो जी बहुत ही वधिया दानेदार लड्डू बन के तैयार ने, बेसन के लड्डू बहुत ही वधिया बने ने। तुसी भी इहनूं घर विच बनाओ तो सारयां नूं खवाओ, वड्डियां नूं छोटियां नूं, बहुत सब नूं पसंद आणगे।